हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजु हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रावधान पढ़ रहे थे, उन प्रावधानों में आज हम दूसरा प्रावधान पढ़ेंगे, अनुचित प्रभाव संबंधी नियम या प्रावधान। अनुचित प्रभाव संबंधी नियम या प्रावधान क्या होता है? अनुचित प्रभाव में एक प्रभावशाली पक्षकार है, वह दूसरे प्रभावहीन पक्षकार को प्रभावित करके उससे सहमति प्राप्त करता है, तो उसे अनुचित प्रभाव से संबंधित नियम या प्रावधान कहते हैं, या अनुचित प्रभाव से प्रभावित अनुबंध या प्रावधान कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ संबंध बताए गए हैं जिनमें एक व्यक्ति सामान्य तौर पर अपने अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके दूसरे जो पक्षकार हैं उन्हें प्रभावित करता है। उनमें देखिए कौन कौन से पक्षकार हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है जैसे पुलिस व अपराधी, एक अपराधी है, वह पुलिस वाले के दबाव में होता है, और यदि पुलिस है वह उससे अपने अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके अनुमति या सहमति प्राप्त करती है, तो वहाँ पर अनुचित प्रभाव से संबंधित जो प्रावधान है वो लागू होते हैं। दूसरा है डॉक्टर तथा मरीज, डॉक्टर व मरीज। तीसरा है वकील व मुवक्किल, तीसरा है पिता व उसकी संतान, पिता व उसकी संतान, गुरु व शिष्य, ये कुछ संबंध हैं जिनमें अधिकतर अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया जाता है और दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त की जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि अनुचित प्रभाव से संबंधित जो नियम हैं या प्रावधान हैं उनके अंदर यदि एक व्यक्ति ने अनुमति या सहमति प्राप्त कर ली है तो उसके क्या नियम हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि इसमें पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर जो अनुबंध है वह व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध को भंग भी कर सकता है और चाहे तो वह उसे आगे भी बढ़ा सकता है। दूसरी बात है प्रत्यास्थापना, प्रत्यास्थापना का मतलब होता है कि अनुचित प्रभाव से प्रभावित होकर के यदि एक व्यक्ति किसी प्रकार का प्रावधान करता है वह उस प्रावधान को लागू करता है तो उसमें प्रत्यास्थापना का जो नियम है वह लागू होता है। प्रत्यास्थापना के नियम में बताया गया है कि यदि इस प्रकार के प्रावधान से प्रेरित होकर के कोई अनुबंध किया जाता है वह उसमें कोई वस्तु या मुद्रा दी व ली जाती है तो उन्हें वापस लौटानी पड़ती है। अब हम देखते हैं आगे तीसरे जो नियम हैं उनके बारे में। तीसरा जो नियम है वह है कपट संबंधी
कपट संबंधी प्रावधान या नियम, कपट संबंधी प्रावधान या नियम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कपट क्या है। कपट का साधारण अर्थ है जानबूझकर के किसी पक्षकार को धोखा देना। एक पक्षकार को पता है कि आगे या इस प्रकार का कार्य गलत है, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर के यदि किसी व्यक्ति को धोखा देता है तो उसे कहा जाता है कपट। या फिर जानबूझकर के किसी भी विषय के बारे में मिथ्या वर्णन करना, झूठ बोलना ही क्या है, कपट है। अब देखिए कपट से संबंधित मुख्य जो बातें हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है किसी भी असत्य बात को, किसी भी असत्य बात को जानबूझकर, किसी भी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना कोई भी बात है उसका पक्षकार को पता है कि है असत्य या गलत बात है, लेकिन जानबूझ करके भी वह पक्षकार उसे सत्य बताने की कोशिश करता है तो वह दूसरे पक्षकार के साथ कपट कर रहा होता है। दूसरा है कोई भी ऐसा कार्य करना, कोई भी ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य धोखा देना हो, जिसका उद्देश्य धोखा देना हो, कोई भी ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य धोखा देना हो तो वह भी कार्य कपट से संबंधित कार्य होता है। तीसरा है तथ्यों को छिपाना, तथ्यों को छिपाना। यदि एक पक्षकार किसी भी विषय वस्तु से संबंधित जो तथ्य हैं उनको यदि छिपाने की कोशिश करता है तो वह दूसरे पक्षकार के साथ कपट करता है। तथ्यों का मतलब होता है कि उसके बारे में जानकारी या उसकी विषय वस्तु को छुपाना क्या कहलाता है, तथ्यों को छुपाना कहलाता है। चौथा है कपट करने वाले पक्षकार को, कपट करने वाले पक्षकार को कपट करने वाले पक्षकार को वास्तविक सत्यता की जानकारी हो, कपट करने वाला जो पक्षकार है उसे जो भी विषय वस्तु है उसकी वास्तविक सत्यता की जानकारी होना जरूरी है। यदि पक्षकार के स्वयं की जानकारी में भी वास्तविक सत्यता का पता नहीं है तो वहां पर उसे हम कपट करना नहीं मानेंगे। अगला है पांचवा बिंदु है दूसरे पक्षकार को धोखा देना, दूसरे पक्षकार को धोखा देना भी कपट है। मुख्य रूप से यदि कोई भी व्यक्ति है वह दूसरे पक्षकार को धोखा देने की कोशिश करता है तो उसे ही कपट कहा गया है। थैंक यू।
लाइक करें, शेयर करें।